कहाँ वो सही बोलते हैं, वो तो बोलते हैं आलू से हम सोना बना देंगे, बनता है क्या? तो आप ही बताइए, वो टोपीधारी थे या जनौधारी थे? उनकी माँ किस जाति के है, उनके पिताजी को किस जाति के हैं, वो ही बता दें। आप ये बताइए ना, ममता जी कहाँ चली गई? और देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ अपमानित तो उन्होंने नहीं किया है, पूरे ओबी समाज को अपमानित करने का कार्य किया। अपमानित कैसे? भारत जोड़ो नया यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए और कहे कि ये ओबीसी नहीं जन्म हुए थे, जनरल में जन्म हुए थे 2020 में, जब उनको ओबीसी में, उनके समाज को जो है ओबीसी में जोड़ दिया गया। इसी लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से पुतला दहन किया गया है इनकम टैक्स पर। कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप लोग पुतला क्यों दहन किए हैं? देखिए, ये जो राहुल गांधी जी जो बोले हैं, ओबीसी समाज का अपमान किए हैं, और देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ अपमानित तो उन्होंने नहीं किया है, पूरे ओबी समाज को अपमानित करने का कार्य किया। अपमानित कैसे किए? जो 2000 ईस्वी के बाद जो है उनको ओबीसी में आना गया, स्वर्ण कह रहे कि नहीं नहीं, वो उनका क्या कहना है राहुल गांधी जी का कि ओबीसी समाज में नहीं आते हैं। आज आप जन्म लिए हैं, जब आपको आरक्षण मिलेगा, जब से आप ओबीसी समाज में, गिनती होगा कि नहीं होगा ये हमको बताइए। उस पप्पू को ये पता नहीं है कि जन्म लेने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त आरक्षण मिले, बाद में मिला कि नहीं मिला। चुनाव के समय में कहते हैं हम ओबीसी के बच्चे हैं। नहीं, ओबीसी वो हैं, ओबीसी के बच्चे उनके कहने ना कहने से नहीं होगा, ओबीसी तो हैं ही ना। अरे जब जन्मे नहीं हुआ है, कह रहे कि जन्म तो जनरल में हुआ, उसके बाद ना ओबीसी 2000 ईस्वी में ना हुआ। अरे 2000 ईस्वी के बाद से वो ओबीसी हैं कि नहीं है, सिर्फ एक स्टेट का कहने का मतलब ये हुआ कि जब जन्म हुआ ओबीसी में नहीं हुए थे, उनका कहना वो गलत है। ठीक है, गलत बताइए। आज आपको आरक्षण मिला है तो आज से ही नहीं जोड़िएगा? राहुल गांधी जन्म से पहले क्या थे, कहाँ थे, कोई जान रहा था? आज राहुल गांधी जिस खानदान में है उसी खानदान का नाम लिया जा रहा है। तो आरक्षण जब नरेंद्र मोदी जी को मिला उस टाइम से ओबीसी ही हैं, और ये ओबीसी का आरक्षण अपने नहीं ले लिए प्रधानमंत्री जी ने? ओबीसी का आरक्षण कौन दिया? कांग्रेस की जब सरकार थी जब ही मिला है। ठीक है, तो राहुल गांधी का ये कहना गलत है, और वो जाति सूचक शब्द बोलकर सभी लोग को अपमानित करने का कार्य किए हैं। अपमानित कैसे, तो बतला रहे थे लोग। नहीं नहीं, कैसे आप बतलाने का बतला रहे हैं, आप अपमान न कर रहे हैं कि आप नहीं हैं, जबकि वो हैं। आज हैं या नहीं हैं, आप पत्रकार महोदय अच्छी तरह से जानते हैं, आप ही बताएं आज हैं या नहीं हैं। आज की ना बात होगी, पहले क्या था उस पर बात हमको नहीं करना, आज क्या है वो गलत कह रहे हैं क्या? आज हैं कि नहीं हैं, इस बात से आप एग्री हैं या नहीं हैं? दिक्कत कहाँ हो रहा है ओबीसी समाज को? अरे भाई, वो हमेशा ओबीसी को अपमानित करने का ही काम किए हैं राहुल गांधी जी, और देश को तोड़ने का ही काम किए हैं। तो जोड़ रहे हैं। अरे जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनकी पार्टी टूट रही है ना, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनकी पार्टी टूट रही है, टूट रही है। अब देखिए बिहार में नीतीश जी कहाँ से कहाँ चले आए, कलकत्ता में माने तो सब कहता है पलटू राम। अरे छोड़िए ना, क्या कहता है, उनके साथ है तो अच्छे, हमारे साथ हैं तो गलत। आप ये बताइए ना, ममता जी कहाँ चली गई? अब उत्तर प्रदेश जाएंगे, उससे पहले ही देखिए एक भागे जयंत चौधरी भाग रहे हैं। तो कहाँ वो सही बोलते हैं, वो तो बोलते हैं आलू से हम सोना बना देंगे, बनता है क्या, आपने कभी देखा है? तो ऐसे लोग का क्या कहना है? हमारे अध्यक्ष महोदय विशेष रूप से आपको बताएंगे। काहेला इतना दिक्कत क्यों है आप लोग को? पहले बात कि राहुल गांधी अपने आप को समझे, बोलने पर वाणी पर उनका संतुलन बिगड़ गया है। कभी सनातन धर्म के बतला रहे थे? नहीं, क्या बता रहे थे कि ये मोदी जी ओबीसी नहीं है? तो ये कह रहे थे कि जन्म ओबीसी में नहीं हुआ तो 2020। भैया किसका जन्म मने होता है उसी समय से ओबीसी हो जाता है? आरक्षण जब से मिलेगी तभी से ना ओबीसी होगा, कि अपने जन्म लिए हमारे ओबीसी हो गए? आज मोदी जी को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस के शासन में मिला तो आज मोदी जी ओबीसी से बाहर हो गए? मैंने जब मान आया राहुल गांधी जी को बोल देना, बोल दे। वो तो बतला रहे थे ना भारत जोड़ो, बता रहे थे, बता क्या रहे थे वो? क्या कुछ अपने वो जाति बताते, वो किस जाति से है, उनकी माँ किस जाति के है, उनके पिताजी को किस जाति के हैं, वो ही बता दें। दूसरे पे हाँ, जनौधारी? नहीं नहीं, जनौधारी कहाँ से जनौधारी है? अरे वो तो टोपीधारी हैं, वो जनौधारी टोपीधारी हैं। आपको पता नहीं है उनके खानदान के बारे में? पत्रकार महोदय आप पता करिए, इतिहास पढ़िए। उनके फादर फिरोज गांधी थे, उनके दादा जो हुए फिरोज गांधी थे ना, तो वो कौन थे? जनौधारी थे।
पिता का पुत्र का मान्यता किससे होता है? पिता से, ना कि उनकी माँ से। आप ये आप तो भली भांति जानते हैं, तो आप ही बताइए वो टोपीधारी थे या जनौधारी थे? उनके फादर का नाम फिरोज।